أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إن كالترجمة <applause> كهذا ترجمة بريئة अच्छा रमज़ान रमजान वो तो महीना अच्छा ठीक तो ठीक चलिए अब जो तर्जमा शहर रमजान रमज़ान का महीना वो महीना है कहा लगना चाहिए था लेकिन वहाँ इनका इन, इनकी तर्जमानी ना है मौलाना ने तर्जमान की तर्जमा नहीं किया है तर्जमा का मतलब ये होता है कि वजहत की है तफसीर बयान कर दो ठीक है वो वरण जो तर्जुमा हो क्या रमज़ान का महीना वो महीना है बात वाज रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरानी हासिल किया गया लेकिन मोबाइल ने बामुहरा तर्जमा कर दिया अब बात ऐसा नहीं कि इसमें कोई पेचिदगी भी नहीं बिल्कुल ठीक है तो गोया की ये बात बता रही है ये आयत करीमा के कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ रमज़ान के महीने में तो रमज़ान के महीने में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ है हाँ जी अब आसमान दुनिया क्या क्या उस फलसफा में पढ़ेंगे आप बोलिए साहब आसमान दुनिया से लहे महफूज से आया है लहे महफूज से आया आसमान दुनिया पर आए लहे महफूज आया आसमान दुनिया पर रख दिया गया है ठीक है साहब रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया है यानी जो पहली वही आई है गार -हरा में वो रमज़ान का महीना था भाई वो पाँच आयतें जो हैं ठीक है कि नहीं बात गोया कि इसमें जो बताया जा रहा है आगाज़ के बाद आगाज़ के बाद और रमजान का महीना था वो भी कौन सी रातें कौन सी थी उसके बदलिए मजीद ने बयान कर दिया जी दे। ललतुल इन्ना जन्ना और फिर दूसरी जगह पर आया है इनान जन्ना और फिरतुल्कतर इन्ना जन्ना और फिर मुबारक एक जगह है फिरतुल्क्र है एक जगह ललत मुबारक है हमने इस कुरान मजीद को मुबारक रात में उतारा है ना ये तो अब ये बात देखिए इसने भी साफ़ किया कि क़ुरान मजीद का नज़ुल कब हुआ है रमज़ान के महीने में हुआ है जी रमज़ान के मुक़दस महीने में ये, ये नाजिल हुआ है और फिर किस शब में नाजिल हुआ गोया कि ललित की, की शब थी उसमें ये ये जो है मुबारक कुरान मजीद नाजिल हुआ है ये कुरान भी मुबारक है देखिए क़ुरान भी मुबारक है क्योंकि हमने बताया था ना हाजा किताबन मुबारक ये किताब मुबारक है और महीना भी मुबारक है और रात भी मुबारक है महीना भी मुबारक है शब भी मुबारक है ठीक है ना किताब भी मुबारक है और वो हस्ती भी मुबारक है जिसने उतारा है नाजिल किया तबारक है तबारक है ना ये सब ले दे के इसमें बरकत थी बरकत थी और बरकत का माने हम बता चुके हैं क्या माने कसरत ज्यादती सर सब्जी शादाबी गोया कि ये किताब इसके मजामिन हमेशा ससब्दो शादाब रहेंगे इसमें कोहने की नहीं तारी होगी तिलमिजी की रिवायत है इसके मजामिन कोहना नहीं होंगे कोहना माने पुराने ये ऐसे कपड़े के मानंद है ये ऐसी पोशाक है जो कभी पुराना नहीं हो सकता ऐसा लिबास है जो कभी पुराना नहीं हो सकता ये हमेशा इसमें ताजगी रहेगी इस किताब के मजामी में ताजगी रहेगी रहनुमाई में ताजगी रहेगी ये हर जब भी कोई समाज उठेगा ये ताज़ा समाज इसकी तालीमत में ताजगी है समाज को ताज़ा बनाता रहेगा हमेशा ताज़ा और वो जो लोग इस पर ईमान रखते हैं कभी दुनिया से नेस नहीं हो सकते नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर दवा में का कमाना भी है हमेशा ताजगी हमेशा रहेगी जो हमेशा रहेगी ताजगी तो ये मिल्लत भी जो इस पर ईमान वो भी हमेशा, हमेशा रहेगी और बताया जब ये मिलत नहीं रहेगी तो मतलब क्या होगा अगर मिल्लत नहीं रहेगी तो क्या होगा क्यामत क्यामत गुलस इकबाल ने बड़े अच्छे अंदर गुलशता मीरत अगर मीरे अगर हम मर गए ख़त्म हो गए तो पूरा गुलस्ता ख़त्म हो जाएगा ये कुरान है ये कुरान की बरकत है ये कुरान मजीद जिनों का ईमान है जिनों के ईमान है वो हमेशा रहेंगे क़ुरान मजीद चूँ का हमेशा रहेगा इससे जो वो मिल्लत भी हमेशा रहेगी जो इस पर ईमान रखती है दुनिया लाख चाहे के मिटा दे मिटा नहीं सकती आप समझ लीजिए दुनिया इसको मिटा नहीं सकती और जो जवाल आएगा उसमें हमारे कोताही दाखिल दाख... नहीं कोताओं का भी दखल होगा जी हमारी कोताही का भी दखल होगा हम सो जाएंगे किताब रखते हुए भी सो जाएंगे मुबारक किताब रहेगी हिदायतनामा मेरा होदा है ना हिदायत का चश्मा हमारे पास है लेकिन अगर इसको रखते हम सो जाएँ जी अपनी जिम्मेदारी नानी बहन का होगा और उससे जवाल होगा और फिर वही लोग मुसलत हो जाएंगे जो हमारे दुश्मन और इस वक्त जो उम्मत मुसलमान के वो कौम मुसलत है जो जलील तरीन कौम है ये मामू नहीं पस्ती है हमारी मामूली पस्ती नहीं है कि वो कौम मुसलत जो जलील कौम थी वो मुसलत हो गई है तो भर कैफ फिर उर्ज आएगा कैसे कब आएगा कैसे आएगा जब तक इसकी जगह रुजू नहीं करेंगे न, नबी सल ने फरमाया था ये किताब ऐसी किताब है कि इसके ज़रिए कौम को अल्लाह ताला क्या करता है उभारताूज देता है और पीसी कौम की वजह से क्या करता है जवाल रूज उनको देगा जो इसको इख्तियार करेंगे और जवाल छोड़ देंगे जो छोड़ देंगे जाहिर है वो तो फिर जवाल पसी हो जाएंगे तो ये बात शाह रमज़ान अल्लन जैफी कुरान पहले सिफत क्या है हुद लिन्नास। हुद लिन्नास माने सिर्फ मुसलमानों के लिए खास बात है, है ना हल्ना सबके लिए सारे इंसानों के लिए यह अजीब गरीब बात है कुरान मजीद का पैगाम सारे इंसानों के लिए है क़ुरान मजीद नास कहता ना यासाना नास लोग नबी सल्लल्लाहु सारे इंसानों के लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए सारे इंसानों के लिए है ये हम हमारी बड़ी कोताही है साहब बड़ी कोताही है कुरान क़ुरानी मजीद की तालीमान जो है सारी इंसानियत के लिए है और हमने ये समझा सिर्फ़ हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए इस वजह से इसको हमने बंद करके रख दिया ये सारी इंसानियत के लिए और क्या है वो बनात मिनल और क्या है हिदायतनामा है और बैनात और हिदायत क्या है उबैनाथ हिदायत के दलाल कहाँ हैं रोशन है, रोशन है, के दिलाएट, रोशन दिलाएट है। हिदायत के दलाल रोशन दलाल हैं ये कुरान मजीद ही हिदायतनामा है इंसानियत के लिए वाइद नामा है और क्या है रोशन हिदायतनामा है मामले हिदायतनामा है। रोशन है तोहरेत भी हिदायतनामा थी कि नहीं थी इंजील भी हिदायतनामा थी कि नहीं थी जबू हिदायतनामा थी सोफे इब्राहिम हिदायतनामा थे सब लेकिन सब में क्या है मिलावट है बैजीनाथा नहीं है वाज दलाल नहीं है उनके अंदर जी वाज दलाल नहीं है अब ये उनको साबित करना कि खुदा किताब बहुत मुश्किल है वो साबित नहीं कर सकते हैं ये तो कुरान मजीद है जो उनकी इलाज रख लिया इसने कुरान मजीद की खसूसियत उनकी भी इलाज रखना रह है हमने बताया था ना पीछे कि की कुरान मजीद की खसूसियत उनकी भी इलाज रखे रह हुए है कि नहीं ये आसमानी किताबें थी वरना उनके ना नज़दीक कोई दलील नहीं है और ये खुदा किताब है दलायल है इसमें वो हुदा वल फुरकान और फुर्क़ान फुरकान के माने में हम बता चुके हैं आपको हक बातिल के दरमियान वाहिद फैसला करने वाली किताब है फुरकान अब यही है कसौटी अब यही है दूसरी किताबें कसौटी नहीं क्यों क्यों कसौटी नहीं दूसरी किताब है मिलावट हो हो चुकी है और ये फ़ाइनल एडिशन है जब फ़ाइनल एडिशन आ गया तो फिर उन किताबों की जरूरत नहीं रही ये तो फितरत है ना फितरत है ये जब फाइनल एडिशन आ जाता है तो फिर जो जितने अकाम पुराने होते हैं सब सब क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं कैंसिल हो गए वो भाई मिनल फुरु मिनुदा वलफुरक़ान अब ये तम बयान की फिर कह रहा चलिए फमन शाह तो जो लोग भी इस शहर को पाए तो ज़रूरी है क्या रोजा रखें फिर क्या करो अमन का ना मरीज़न हाँ और जो लोग भी सफर पर हों मरीज, मरीज हों तो दूसरे दिनों में पूरा करेंगे ठीक ना फिर पूरा करेंगे चलिए इसको फिर क्यों दोहराया फिर क्यों दोहराया इसको ये कहने की की कोशिश कि रमजान में रोजे रखो लेकिन नहीं रख सके तो फिर इसमें ये अल्लाह ताला की ये भी कि देखो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है यू यूही बिकमलयुस्स ये नहीं चाहता कि तुम खाम क्यों जो है उसमें परेशानी परेशानी में तुमको तुम तो नहीं देखना चाहता वो यीदुल्ला बिकमुलयुस्लाबिकमुलस और चाहता है कि तुम तकमील करो तुक में इद्दा वो चाहता है कि तुम तकमील करो पूरे पूरे रमज़ान के रोज़ों को तुम तुम तकमील करो और अगर जो है रोज़े छूट जाए तो बाद में उसकी तकमील कर लो है। तो ये आसानियाँ हैं ये कोई मुश्किल में तुम वो नहीं डालना चाहता चलिए और क्या और क्या चाहता है और तुम बड़ाई तुम अल्लाह की बड़ा बयान करो मतलब क्या है अल्लाह की बड़ाई बयान करो मतलब तकमील रमज़ान हो चुकी है उसके बाद बड़ाई बयान करो मतलब हाँ हाँ देखिए पहुँच गए अल्लाह की बड़ाई बयान करो मतलब क्या है तकबीर तहरीर तकबीर तहरीर अब जो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल हो गए अल्लाह के शुक्र अदा करना है ना शुक्र अदा करना है अल्लाह के शुक्र कैसे अदा करोगे अल्लाह की बुरीई जी

तीस दिन मुकम्मल करने के बाद खुशी और मसरत का इजहार उम्मत मुसलमा को हुक्म दिया कैसे करो किय के साथ अल्लाह की बड़ाई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है दूसरी कौमें कैसे जश्न मनाती हैं बोलिए अब देख लीजिए उनके त्यौहारों में देख लीजिए अल्लाह का शुक्र है आपका त्यौहार एक महीने के रोजे के बाद क्या सिखाता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये भी सिखाता है गलेश जाओ एक रास्ते से दूसरे रास्ते से, से आओ है ना कि नहीं, नहीं बोलिए ताकि हर गली हर कूचा हर बाम हर दर हर नशेब हर फराज एक ही नगमा हो क्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लाही अकबर एक तो से सिर्फ एक ही तो नहीं जाना है एक तो जाओ दूसरे घेर लो हर गली हर कूचा हर बूटा गोया की ये जो पूरी कायना तो है ही अल्लाह की किबरियाई वो भी तुम भी उसके साथ जी उसकी किबरियाई में तुम भी शरीक हो जाओ ये बात हुई दूसरी कौम में जश्न मनाती हैं जी पटाखे छोड़ती हैं और आप जानते हैं कि हाफिज़ नफीस नफीसा वो सब जो होली खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं जो गाली बगते हैं क्या बोलते हैं उसको कबीर उसको भी कबीर बोलते हैं आप यकीन मानिए हमारे तो वो कहते हैं कबीर वो कबीर क्या है गालम गुल उनके कबीर क्या है वो होली जो खेलते हैं ना हिंदू जो फगुआ खेलते हैं गैर मुस्लिम